एवन पंजाबी की नई अपडेट जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और एवन पंजाबी को सब्सक्राइब करें। नाभा विखे जमीन सौदे नु लेके एक महिला ने प्रशासन ते कुछ व्यक्तियां दी शह ते धक्केशाही दे दोष लगाए ने। पिंड दोदा दी रहण वाली बेअंत कौर नां दी महिला ने पत्रकारां नाल गलबात करदिआं दस्सिआ कि साल 2015 नु पिंड दे ही दर्शन सिंह नु उसदे करीब 3.5 एकड़ जमीन विखाई ते उस जमीन दा सौदा तय कर कुल 1.5 करोड़ रुपए दा बयाना भी लिखित रूप विच कर दिता। लेकिन कुछ समय बाद उसनू पता लगा कि उसके जमीन बारे दर्शन सिंह ने उस नाल धोखाधड़ी करते हुए संदीप सिंह नां दे व्यक्ति नाल भी बयाना कर लिया। बेअंत कौर मुताबिक वह अकाली दल पार्टी का देहाती प्रधान है। इस धोखाधड़ी नू लेके उसने पुलिस कोल शिकायत दर्ज करवाई, जिससे जमीन वेचण वाले दर्शन सिंह उसके साथियों ते नवे खरीदार खिलाफ 420 दा धोखाधड़ी संबंधी मामला दर्ज होया। लेकिन इस मुकदमे संबंधी विरोधी धिर अदालत चली गई, जिस तो बाद उसनु सही इंसाफ लई अपनी ही पार्टी दी सरकार कोल ते नेतावां तक भी पहुंच कीती। लेकिन उसनु अपने हक लई दर दर दियां ठोकरां खानियां पै रहियां ने। उत्थे जदों पत्रकारां ने दूजी धिर दे वकील संदीप सिंह नाल गलबात कीती तां उन्होंने यह कहा कि जमीन खरीद नू लैके जो बयाना किया गया महिला बेअंत कौर वालों किया गया बयाना सही नहीं है ते उन्हां नाल कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत दे कहण ते प्रशासन वालों धक्केशाही की जा रही है। हुण असल की मामला है ओ तुसी हुण आप ही वेख लवो। उन्हें मेरे नाल दो बयाने करे सीगे, पहला 29 करोड़ कुछ मरले दा जिहड़े कि उन्होंने अगे किसी होर नूं बेचती ते बाद विच मैं पुलिस प्रशासन नूं शिकायत करी ते फिर इन्हें मैनूं 38 करोड़ कुछ मरले जमीन होर देती, उहदे ताबे ने मेरे कोलों 1.5 करोड़ रुपए लै ले ते फिर इन्हें जज दे जाके बयान दे के मेरे हक दे विच सारा कुछ ये मन गया भी पैसे भी मैं लए ने ते मेरे बयाने भी करे हुए ने इन्हां नाल भी, इन्हां तों बिना भी मैं कोई भी किसी नाल लैण देण नहीं कीता ते ना ही मैं कोई भी किसी तरह के गहने बैजां तब्दील करूँगा इहनूं। तो सारा कुछ होने तो बाद जी इन्हें 1.5 साल बाद संदीप सिंह गंडा एक वकील है जी अपने तो यह आपस में दर्शन सिंह संदीप सिंह गंडा वगैरह उन्होंने रिश्तेदार ने मामे भूआ के मुंडे ने इन्हें जी एक जाली तो फर्जी बयाना 2016 के तैयार कर लिया तो वह करन तो बाद इन्होंने जी 1.5 साल की वो मनियाद रखी तो इन्होंने कोर्ट के आके केस पा के मेरा हक मारन की कोशिश की। तो उस तो बाद जी हुण अपना मेरा SDM साहब ने केस पाया हुआ सीगा जी 145 लगाने वास्ते, क्योंकि इन्होंने कुछ टाइम पहला तहसीलदार अपने अपने तहसीलदार साहब नाल रल के तो गदावरियां दुरुस्त करा लिया जी, जदों के कोर्ट केस चलता सी मेरे बकायदा माल रिकॉर्ड की स्टे के उपर भी मेरा वो चढ़िया हुआ सीगा जी, सारा रिकॉर्ड चढ़ाया हुआ थी। मीनाक्षी गुप्ता की जज साहब की स्टे लगी हुई सीगी ते नाले तो मेरे नाल जी पटवारी साहब ने अपने तहसीलदार साहब ने प्रशासन ने सब ने मेरे नाल धक्का किया, सारी लगी स्टे दे विच उन्होंने गदावरियां दुरुस्त करके इन्हां नूं मालकी दा अधिकार दिता ते उस मालकी दे ताबे चलते हुए जी हाई कोर्ट दे बन्नियों एक स्टे जारी हुई है जी, ठीक है जी ए वाली जी। तो इस स्टे दे ताबे जी हुण मैं अपने पुलिस प्रशासन दे कोल शिकायत की है भी स्टेटस को हुई भी है जी, ठीक है भी उस जगह के उत्ते बाकी 145 की मेरी कार्रवाई पाई भी है जिहड़ी कि विचार अधीन चल रही है भी मेरे नाल धक्का हो रहा है भी इस फसल में कोई भी वढ़ ना सके। हाई कोर्ट के स्पैशल जी ऑर्डर ने आए हुए ने मेरे को 3 महीनों की डेट आ साड़ी, पर फिर भी ना मेरी प्रशासन ने किसी ने मेरी सुनवाई नहीं होने दिती। तो अपने एक वकील साहब ने मोंगो साहब उन्होंने जाके अपने प्रशासन को तहसीलदार साहब को तो SDM साहब को ते बाकी अपने DSP साहब नू कार्रवाई करन तो जी रोक रहे ने, पूरा प्रेशर पा रहे ने। वह मैनू एक औरत होण करके संदीप सिंह गंडा ज्ञान सिंह मोंगो वकील साहब मैनू शुरू तो ही 15 तो डराउंदे ने धमकाउंदे ने, ठीक है मेरे हर कार्रवाई के रोड़ा लाउंदे ने। 1 साल हो गया जी पुलिस बन्नियो मेरा चलान पेश कीते नू रणजीत सिंह संदीप सिंह गंडा वकील आ जो ते बाकी हरजीत सिंह दर्शन सिंह इन्हां उत्ते 400B, 406, 120B का मुकदमा होया हुआ सी दर्ज जी, जिहदे अज तक भी कोई भी मेरी सुनवाई नहीं हुई हैगी उस दे उत्ते। मेरा नाम भुपिंदर सिंह है जी, पिंड मेरा दुद्ध है जी, मेरी वाइफ सरपंच है जी, इन्हां नाल बहुत धक्का हो रहा जी। सुनवाई का कोई पता नहीं लग रहा जी, कोई वकील कहिंदे ने मोंगो भी उही रोड़ा वड़ रहा हरेक गल जिन्हां दी बयाना होया जी 1.5 करोड़ रुपये जी, इन्हां नूं मिलना चाहिए इंसाफ मिलना चाहिए जी, भी हुण भी नहीं मिला जी, पहला पिछे भी नहीं मिला हैगा। ये इस्त्री विंग दे प्रधान ने जी देहाती दे अकाली दल दे, हाँ जी 38 ਕਨਾਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਅ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਪਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਅੰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਵੱਢਣ ਦਿੰਦੇ ਕਣਕ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨਾ ਹੋਇਆ? ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਬਿਆਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, 420-406 ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਔਰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਾਪੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਜੋ ਲੀਗਲ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।